गुजरात के सोमनाथ और जूनागढ़ जिलों के कई खेतरों में लगातार बारिश का कहर जारी है, जिस कारण कई थावां ते हड़ वर्गी स्थिति बनी हुई है। इस दौरान नाना वडाला पिंड विच उस समय वड्डा हादसा वापर गया जदों पानी विच लंघन समय एक स्कूली बस पानी दे विच डुब गई और बच्चों ने चीक चिहाड़ा मचा दिता। की है पूरी खबर, आओ दसते हैं। गुजरात के कई खेतरां विच बारिश कारण हड़ वर्गी स्थिति बनी हुई है। सड़कां ते तेज रफ्तार नाल पानी वग रहा है। इस दौरान पिंड नाना वडाला विखे एक स्कूली बस पानी विच डुब गई, जिस विच कई बच्चे अते अध्यापक सवार सन। मौके दे मौजूद लोगों ने जदों यह घटना देखी तो उन्होंने तुरंत बस विच सवार 8 विद्यार्थियों अते 2 अध्यापकों नूं बस विचों सुरक्षित बाहर कढ लिया। तस्वीरां विच तुसीं देख सकते हो कि किवें स्कूली बस पानी विच पलटी हुई है अते लोकां वल्लों बच्चियां अते अध्यापकों नूं बाहर कढ़िया जा रहा है। घटना की सूचना मिलदिया ही स्थानक तैराक समेत पिंड वासियां अते फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला के सारियां नूं सुरक्षित बाहर कढ़ लिया। पानी का वहाव तेज होने कारण बस कॉजवे दे विचाले फस गई अते देखदे ही देखदे बस पानी विच डुबड़ी शुरू हो गई, पर समा रहिंदे बस विच सवार सारे बच्चियां अते अध्यापकों नूं बचा लिया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटिया दौरान गिर सोमनाथ देवभूमि द्वारका सूरत वलसाड अते नवसारी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश अते कुछ स्थानों पर बेहद भारी बारिश का शक जताया। मौसम विभाग केंद्र के विज्ञानियों ने आख्या है कि गुजरात में मानसून हुण पूरी तरह सरगर्म हो चुके है, क्योंकि कच्छ खेत्र के उपर घट दबा का खेत्र बन गया है अते अगले 5 दिनों में पूरे सूबे में होर ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। उधर स्कूली बस नाल वापरी घटना ते गुजरात दे मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की है, जिस तों बाद मुख्यमंत्री ने गांधीनगर विच एक उच्च पदरी मीटिंग विच राज सरकार अते जिलियां दे प्रशासन वल्लों राहत अते बचाव कार्यां संबंधी तैयारियां की समीक्षा की। ब्यूरो रिपोर्ट, हमदर्द टीवी।